हाय, मैं हूं नजम अली और वॉचिंग माय व्लॉग चैनल। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आपको सिटी वॉकिंग टूर में ले जा रहे हैं साथियों में। और ये है आपके सामने कोंसा गार्डन। और हमारे लेफ्ट साइड पर सामने है कैफे ओपरा। और इस वक्त वॉकिंग टूर पे हम जा रहे हैं और ये सिटी एक्सप्लोर करेंगे। और ये सामने आप देख रहे हैं एक आर्टिफिशियल टाइप का एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें शायद प्रोग्राम वगैरह होगा। इस किस्म के प्रोग्राम यहाँ समर में होते रहते हैं। और ये सामने आप बोट्स वगैरह यहाँ पर चलती हैं और यहाँ से बोट्स लेके आप मुख्तलिफ ममालिक में जा सकते हैं और टूर भी लगा सकते हैं छोटा मोटा बोट पर। आपके सामने यहाँ हमारी राइट साइड पे जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये है किंग का महल। सामने आपके किंग का महल है और ये कई सौ साल पुरानी बिल्डिंग है। जब से इनकी किंगडम शुरू हुई थी उस ज़माने में ये महल वगैरह बनाया गया था, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुरानी जगह होगी, कितनी पुरानी बिल्डिंगें होंगी, कई सौ साल पुरानी। और यही चीज़ें टूरिस्ट देखने के लिए यहाँ आते हैं। इस वक्त हम वॉकिंग टूर में निकले हुए हैं और जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे। सामने बोट्स वगैरह हैं। आमतौर पे यहाँ पे समर में जो है लोग साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, यही वजह है कि आप
साइकिल पे सब कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूर। खैर हमारे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं इस तरफ ये शिप्स वगैरह यहाँ पे लगते हैं आके। बिल्डिंग के पास है पानी गिरने का ये नज़ारा मौजूद है। और इस वक्त हमारे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पे लोग सफ़र करते हैं और ये बहुत अच्छा है यहाँ पे कि आप रेंट पर ले सकते हैं सारी चीज़ें। और ये आपके ये जो हम साथ साथ हमारे राइट साइड की जो बिल्डिंग है ये ऊपर आप देख रहे हैं ये किंग का महल है। और इस तरफ हमारे लेफ्ट साइड पे ये देखें ये आ रहे हैं भाई साहब ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं और मेरे ख़्याल से ड्यूटी चेंज हो रही है इनकी ड्यूटी चेंज हो रही है उस तरफ जा रहे हैं वो जा रहे हैं भाई साहब ये शायद ड्यूटी चेंज हो रही है इनकी आज इस वक्त। तो ये इंतज़ार में खड़े हुए भाई साहब क्या देख सकते हैं। ये स्वीडन के गार्ड हैं जो महल की हिफाजत पे अमूर होते हैं एक तरीके के से ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है कोई भी किंग होता है तो आप देखते हैं किस तरह यहाँ पे ये प्रोटोकॉल देखे हैं भाई साहब। लेकिन ड्यूटी चेंज हो रही है फिर ये गार्ड्स की ड्यूटी महल की चेंज हुई है और रात वालों ने शिफ्ट संभाल ली है। ये एक डोर की है एक दरवाजे की ड्यूटी चेंज हुई थी हर दरवाजे पे इसी तरह जो है चेंज होती होगी यकीनन और वो भी हम किसी दिन आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम ये आबशार दिखाते हैं आपको यहाँ पर भी एक लगी हुई है आबशार देखते हैं यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि हम वही दिखाने के चक्कर में आपको ये जो लिखा हुआ है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि कितने साल पुराना है। ये भी किंग के महल की जगहें हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ये पोर्ट्स हैं जहाँ से टूरिस्ट शिप भी जाते हैं और दूसरे मुल्कों में भी शिप्स वगैरह जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वक्त हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा है। ये है सिटी ऑफ स्टॉकहोम, कैपिटल ऑफ स्वीडन। काफ़ी दिन से आपको स्टॉकहोम के मुख्तलिफ रोड्स वगैरह की विजिट। और ये एक शिप खड़ा हुआ है जो कि यहाँ से हम बता चुके हैं कि टूरिस्ट वगैरह की शिप जाते हैं यहाँ से। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह का यहाँ पे एक नया दौर शुरू हो गया है। हो सकता है आने वाले वक्त में जो है यही इलेक्ट्रिक स्कूटर ही काम करेंगी, क्योंकि ये गाड़ी से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं इन स्कूटरों को। इनको आप ट्रेन में भी ले जा सकते हैं, बस में भी ले जा सकते हैं और बहुत ही लाइट वेट होती है कि इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। एक आदमी के लिए मोटरसाइकिल का दौर ख़त्म हो जाएगा अगर इन स्कूटरों की बैटरी 100-200 किलोमीटर अगर हो गई एक चार्जिंग पे, तब तो एक इनकलाब आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की दुनिया में। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के शिप्स वगैरह यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ आके लगते हैं, आप देख ही रहे हैं। ये एक शिप खड़ा हुआ है, ये देखें। इसी तरह वो सामने एक शिप आके लगा है। तो अब आप हमारी अगली वीडियो में स्विच ओवर हो जाएं
क्योंकि ये वीडियो आज की हमारी यहाँ तक थी, और अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, तो आपको हर नई वीडियो आपकी किसी भी मुल्क के किसी भी शहर की आपके पास पहुंच जाएगी। इसमें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन वगैरह भी होती है, और ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बोट खड़ी हुई है यहाँ पे। ये समर में बोट्स वगैरह आके लगती हैं, ये बहुत ही लग्जरी बोट है आप देख सकते हैं। और ये एक किसी और शहर से बोट आई है जो यहाँ आके लगी है, सामने आपके खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। मुख्तलिफ पोर्ट हैं मुख्तलिफ शहर से और आइलैंड से यहाँ पे बोट आके लगती हैं। और स्टॉकहोम स्वीडन की ख़ास बात यह है कि ये छोटे छोटे जज़ीरों पे मुश्तमल है ये पूरा शहर, तो ये मुख्तलिफ जज़ीरों पे जहाँ पर बस वगैरह नहीं जाती, गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ पर ये शिप वगैरह छोटे छोटे चलाए जाते हैं जो मुख्तलिफ जज़ीरों से लोगों को लाते ले जाते हैं, और ये 24 आवर चलते रहते हैं। इनके ऊपर गाड़ियाँ भी जाती हैं और लोग भी सफ़र करते हैं। और ये एक शहर का, आप जब भी अगर इनकेस आप यहाँ कभी सफ़र करें तो महीने का एक कार्ड बना लें, जो कि नियर अबाउट $100 का बन जाता है, और उस कार्ड पर आप ट्रेन, बस, बोट हर चीज़ में सफ़र कर सकते हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की जो है, जैसे ये सामने बसेस हैं, इन बसों में भी वो कार्ड चलता है, और पूरे महीने का कार्ड होता है, वो बहुत सस्ता आपको पड़ेगा। अगर आप सिंगल टिकट लेंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, या फिर ये कि 3 डेज़ का ट्रैवल कार्ड ले लें और 10 डेज़ का भी होता है, 3 डेज़ का भी होता है, 1 डे ट्रैवल कार्ड भी होता है, डिपेंड करता है जितना आपका टूर का टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप जो है कार्ड ले सकते हैं। और किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ट्रैवल कार्ड अवेलेबल होता है, 1 डे ट्रैवल भी होता है और 3 डेज़ और 4-5 डेज 1 भी, तो वो चीप पड़ता है। और अगर आप सस्ता तरीन टूर करना चाहते हैं तो ये है कि आप बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में रुकें, जैसे कि सब लोग रुकते हैं। और ये जगह है सलूसन की जो हम जा रहे हैं, ये है सलूसन। मैं नजम अली, यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।